Assalamualaikum, this is Aishwarya Khan Mia. Welcome back to my YouTube channel. So I hope आप सबका 2021 बहुत ही अच्छे से जा रहा हो, लेकिन मेरा अच्छे से जा रहा है नहीं जा रहा है कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, क्योंकि 2020 के एंड में भी मैं शूट करे जा रही थी और 2021 के स्टार्ट में भी मैं शूट ही करे जा रही हूँ. बट एक चीज ना बहुत ही ज्यादा खराब हुई है, वो है मेरे हेयर. मेरे हेयर इतने ज्यादा डैमेज हो गए हैं, इतने ज्यादा ड्राई हो गए, ब्रिटल हो गए हैं. जब मेरे बाल ऐसे हो जाते हैं ना, मतलब इतने मशीन यूज करते हैं शूट पे, हम शूट करते हैं तो क्रिम्पिंग करते हैं, स्ट्रेटिंग करते हैं, कर्ल्स यूज करते हैं, तो इतने ज्यादा खराब हो जाते हैं ना, तो मुझे बहुत ही ज्यादा टेंशन हो जाता है. लकली मैंने अपने हेयर स्टाइलिस्ट से कंसल्ट किया, उनको मैंने बताया अपने बालों के बारे में, तो उन्होंने मुझे सजेस्ट किया L'Oreal प्रोफेशनल सीरी एक्सपर्ट एब्सोल्यूट रिपेयर रेंज के बारे में. तो चलिए अब मैं इसको आपके सामने ट्राई करूंगी और इनके बारे में और भी बातें करते हैं. अब मैं आप सबको बताती हूँ कि L'Oreal प्रोफेशनल एब्सोल्यूट रिपेयर रेंज में कितने प्रोडक्ट्स हैं. सो इसमें तीन प्रोडक्ट्स हैं, एक है शैम्पू, फिर आता है मास्क एंड सीरम. अभी आप लोग सोच रहे होंगे कि इसमें कंडीशनर क्यों नहीं है, इसीलिए मेरे हेयर स्टाइलिस्ट ने मुझे ये रेंज सजेस्ट किया है, क्योंकि इसमें कंडीशनर की जगह आता है मास्क. तो चलिए अब मैं आप सबको बताती हूँ कि इसके कितने बेनिफिट्स हैं. ये मास्क हेयर को डीपली कंडीशन एंड नरिश करेगा. ऑफकोर्स ये तो टेस्ट करने के बाद ही पता चलेगा कि ये कैसा परफॉर्म करता है, लेकिन इसमें खास बात ये है कि इसमें गोल्ड किनोआ एंड प्रोटीन है, और ये सुनने में इतना ज्यादा फैंसी लग रहा है, मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ इसको ट्राई करने के लिए. सो चलिए चलते हैं और इसको ट्राई करते हैं. So, जैसा आप सब देख सकते हैं कि मैंने अपने बालों को शैम्पू कर लिया है विद दिस एब्सोल्यूट रिपेयर शैम्पू, और शैम्पू के बाद ही मैं आप सबको बता सकती हूँ कि मेरे बाल कितने ज्यादा अमेजिंग एंड सॉफ्ट फील कर रहे हैं. मतलब मेरे कलर्ड हेयर है तो जब भी मैं शैम्पू करती हूँ तो बहुत ज्यादा ड्राई हो जाते हैं, बट इस बार बिल्कुल भी नहीं हो रहा है, बिल्कुल भी नहीं. तो आप सब देख सकते हैं कि शैम्पू पे इतना अच्छा असर हो रहा है, तो मैं मास्क के लिए कितना ज्यादा एक्साइटेड हूँ. तो चलिए चलते हैं. सो नाउ इसे अप्लाई करने से पहले मैं आप सबको बता दूं कि आपको इसको बहुत ज्यादा नहीं लेना है. जैसे मैंने पहले भी आप सबको मेंशन किया कि मेरे स्टाइलिस्ट ने कहा है कि ये बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव फॉर्मूला है, तो ये हमारे हेयर पे बहुत ही अच्छे से ग्लाइड करेगा. सो चलिए इसको लगाने से पहले मैं इसके टेक्सचर के बारे में बता दूं कि इसका जो फॉर्मूला है वो बहुत ही ज्यादा क्रीमी एंड बटरी है, और इसकी स्मेल बहुत ही अच्छी है, मुझे बहुत ही अच्छी लगी. तो चलिए चलते हैं और इसको अप्लाई करते हैं अपने हेयर में. मैं इसे अपने हेयर के मिड लेंथ से एंड तक लगाऊंगी, एंड प्लीज हेयर को सेक्शन करना बिल्कुल भी मत भूलना, वरना एप्लीकेशन इवन नहीं होगा. सो मैंने इसको अपने हेयर पे लगा लिया है स्कैल्प छोड़कर. आपको इसे 3 से 5 मिनट्स रखना है, मैं भी 3 से 5 मिनट्स रखने के बाद इसको वाटर से रिंस कर दूंगी. देख ही सकते हैं कि मैंने अपने बालों को वॉश कर लिया है और कितने ज्यादा अमेजिंग लग रहे हैं मेरे बाल. अभी तक मैंने स्टाइल भी नहीं किया है, फिर भी कितने ज्यादा सॉफ्ट दिख रहे हैं, शाइनी दिख रहे हैं, मैनेजेबल लग रहे हैं. अभी तक मैंने सीरम भी नहीं लगाया फिर भी. तो आप लोगों के रेफरेंस के लिए मैंने ऑलरेडी पिक्चर क्लिक कर लिया था बिफोर एंड आफ्टर का, तो आप सब यहाँ स्क्रीन पर देख सकते हैं. मुझे यकीन ही नहीं हो रहा है कि वन एप्लीकेशन में मेरे बाल इतने ज्यादा सॉफ्ट एंड स्मूथ लग रहे हैं. ऐसा लग रहा है कि मैं अभी जस्ट सैलून से कोई ट्रीटमेंट करा के आई हूँ. इतने ज्यादा सॉफ्ट, शाइनी एंड अच्छे लग रहे हैं, बट इसके अलावा बहुत ही नरिश एंड हाइड्रेटेड भी लग रहे हैं. तो मुझे तो मतलब बहुत ही ज्यादा अच्छे लगे, मैं बहुत ज्यादा सेटिस्फाई हूँ इस मास्क से. तो अभी हम यूज करेंगे हमारा सीरम. सो मैं इसके 2 पंप लूंगी और अपने मिड लेंथ से लेके एंड तक उसको लगाऊंगी, और मैं अपने हेयर को प्रॉपरली स्टाइल करके आती हूँ. सो ये है मेरा फाइनल लुक. आप सब देख ही सकते हैं कि मेरे बाल कितने ज्यादा सॉफ्ट, शाइनी एंड हेल्दी एंड टैंगल फ्री नजर आ रहे हैं, एंड मैं इसको डेली रूटीन में यूज करने वाली हूँ, और मैं आप सबको हाईली रिकमेंड करती हूँ. कि आप ये सारे प्रोडक्ट्स यूज करें, एंड प्लीज कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा कि आपको कितने अच्छे प्रोडक्ट्स लगे, और ये भी बताइएगा कि मैं नेक्स्ट की चीज पे वीडियो बनाऊं. आई होप यू लाइक दिस वीडियो. इफ यू लाइक दिस वीडियो डू लाइक, शेयर एंड कमेंट, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय YouTube चैनल. मैं जाऊं गाइस, बाय, अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखना.